कोरोना इफेक्ट से निपटने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों और उससे जुड़े रिसर्च सेंटर्स ने पूरी ताकत झोंक दी है। सूत्रों के मुताबिक कुछ संस्थानों से बहुत जल्द आपको अच्छी खबर मिलने वाली है। हालांकि अभी रिसर्च से जुड़ी बहुत सी बातें डिस्क्लोज नहीं की गई हैं, लेकिन इस वीडियो के जरिए आपको वो जानकारी मिलने वाली है जो आपका सीना फक्र से चौड़ा कर देगी। आप ये बात जानने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही आप इस वीडियो को लेकर कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, आपने सुन ही रखा होगा कि अमेरिका, चाइना, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर के वैज्ञानिक रिसर्च में जुटे हैं। उनकी खोज मेडिकल जर्नल में लगातार छप रही है, लिहाजा आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भारत क्या कर रहा है, हमारे वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, भारत के वैज्ञानिक इसे पूरी चुनौती से लेते हुए तेजी से सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, पालमपुर सेंटर फॉर सेलुलर बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद और इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी दिल्ली के वैज्ञानिक जमकर पसीना बहा रहे हैं। खबर है कि वैज्ञानिकों को कई मामलों में बड़ी सफलता भी हाथ लगी है, लेकिन अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है, लिहाजा जल्द ही रिजल्ट सामने होंगे। किस बात का हो रहा है रिसर्च? साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री से जुड़े साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने देश भर के सभी अकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूट को कोरोना के लिए बेहतर दवा, टीका और सस्ते किट डेवलप करने को कहा है, जो 30 मार्च तक किसी भी सूरत में देना है। बोर्ड ने कहा है कि कोरोना वायरस से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, लिहाजा जो भी इंस्टीट्यूट इनका एंटीडोट तैयार करे वो टेस्टिंग किट भी तैयार करे। बोर्ड ने इसके साथ ही शोध संस्थानों से मौजूदा एंटीवायरल दवाओं में से कोरोना के इलाज में उसकी उपयोगिता को देखते हुए बदलाव करने को लेकर भी सुझाव मांगे हैं। खोज निकाला मददगार मॉलिक्यूल्स। इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी यानी कि IHBT के डायरेक्टर डॉक्टर संजय कुमार ने बड़ा दावा किया है। उनके मुताबिक उनकी टीम ने ऐसे मॉलिक्यूल्स खोज निकाले हैं जो कोरोना में इफेक्टिव हो सकते हैं। इसका बायोफॉर्मेटिकली डेटा भी रेडी कर लिया गया है और अब बस लैब में फाइनल टेस्टिंग हो रही है। इतना ही नहीं, इंस्टीट्यूट ने मलेरिया की दवाओं को मॉडिफाई करने की दिशा में बड़ा काम किया है। एक टीम ने इस दिशा में काफी काम पूरा कर लिया है। कोरोना को लेकर जो भी नए डेटा मिल रहे हैं उनको लेकर भी इंस्टीट्यूट अपने काम को और इम्प्रूव कर रहा है। सामान्य कंपोजिशन की बात छोड़ दें तो संस्थान का मानना है कि कोरोना की बेहद इफेक्टिव दवा सामने आने में करीब 2 महीना लग सकता है, लेकिन संस्थान का ये भी मानना है कि वो जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं उसमें सफलता और भी जल्दी मिल सकती है। जल्द मिल सकेगी कोरोना किट। कोरोना को लेकर CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी यानी कि IGIB दिल्ली में तेजी से काम कर रहा है। इसका फोकस कोरोना की बेहतर तरीके से जांच पर है। इसके लिए एक ऐसी किट तैयार करने की कोशिश की जा रही है जो लोगों तक जल्द पहुंचाई जा सके। IGIB के डायरेक्टर डॉक्टर अनुराग अग्रवाल के मुताबिक अगले हफ्ते से अच्छी खबरें मिलने लगेंगी। IIT दिल्ली ने बना डाली कोरोना टेस्ट किट। IIT दिल्ली की शोधकर्ताओं ने सबसे सस्ती और अच्छी कोरोना टेस्ट किट विकसित कर ली है। NIV से NOC मिलते ही बड़े पैमाने पर किट तैयार की जाएगी और देश के अस्पतालों को मुहैया करवाई जाएगी। ये किट इतनी सस्ती है कि इससे कोई भी सामान्य व्यक्ति कोरोना वायरस की जांच करवा सकता है। आपको बता दें कि चाइना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया ने जहां सबसे कम समय में कोरोना टेस्ट किट विकसित करने का दावा किया, तो IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने कोरोना की सबसे सस्ती किट विकसित कर ली है। IIT दिल्ली के कुसुम स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज के रिसर्चर्स ने प्रो फ्री डिटेक्शन ऐसे को डेवलप किया है। इसे कॉलेज के ही लैब में टेस्ट किया गया है और अप्रूवल के लिए आगे भेजा गया है। रिसर्चर्स की टीम का कहना है कि यह महामारी बहुत तेजी से फैल रही है, ऐसे में COVID-19 किट की बड़े पैमाने पर जरूरत होगी। IIT रिसर्चर्स का कहना है कि उनके तरीके से कोरोना टेस्ट बहुत सस्ता हो जाएगा और हर कोई ये टेस्ट करवा पाएगा। इनके मुताबिक COVID-19 के मरीजों में कुछ खास लक्षण होते हैं जिनकी हमने पहचान की है। फिलहाल इस टीम को NIV यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से परमिशन का इंतजार है। परमिशन मिलने के बाद बड़े पैमाने पर बहुत तेजी से काम को आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे कोरोना टेस्ट करने में स्वास्थ्य विभाग पीछे नहीं है। प्रिविट्रॉन कर रही 500 रुपए वाली किट। कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए भारत में स्वदेशी स्तर पर ही एक सस्ता और आसानी से इस्तेमाल लायक किट तैयार किया जा रहा है। इस किट की कीमत महज 500 रुपए होगी और इससे आसानी से कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाया जा सकेगा।
चेन्नई की कंपनी ट्रिविट्रॉन हेल्थ केयर इस किट के विकास में लगी है। कंपनी के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर जीएसके वेलू ने दावा किया है कि बाजार में अभी जो आयातित किट मौजूद है, कंपनी उसकी तुलना में करीब 20% कम कीमत पर यह किट उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि स्वदेशी स्तर पर विकसित किए जा रहे इस किट की कीमत महज 500 रुपए तक होगी। अभी कोरोना टेस्ट के लिए जो किट इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो हजारों रुपए की है। अभी ऐसे किट विदेश से आयात किए जा रहे हैं, लेकिन अब कंपनी का कहना है कि उनका प्रोटोटाइप किट रेडी है और इसकी चिकित्सीय मान्यता मिलते ही इसे मार्केट में उतारा जाएगा। इस किट की लागत इसलिए कम बताई जा रही है क्योंकि इसे देसी बायोटेक कंपनी ने तैयार किया है। गुजरात की कोसरा को मिली अनुमति। अहमदाबाद की कंपनी कोसरा डायग्नोस्टिक को कोरोना टेस्ट किट बनाने के लिए सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन मिल गई है। ये कंपनी कोरोना टेस्ट के लिए RRT-PCR मशीनों में इस्तेमाल होने वाली रीजन किट बनाने वाली भारत की एकमात्र कंपनी बन गई है। अमेरिका में टेस्ट किट बनने के बाद से ही ये कंपनी भारत में इसे बनाने की कोशिश में लगी थी। इसे अभी तक दूसरे देशों से आयात किया जा रहा है। कंपनी का दावा है कि उनकी बनाई रीजन किट 2 से 2.5 घंटे में ही टेस्ट का परिणाम दे सकती है, जबकि ICMR और इसके लैब में इस्तेमाल की जा रही किट्स के लिए 5 घंटे का समय लगता है। कंपनी ने बताया कि उनके पास PCR मशीनों में उपयोग किए जाने वाला एक पेटेंट सॉफ्टवेयर है, जिसमें वर्तमान में उपयोग किए जा रहे लोगों की तुलना में ज्यादा डायग्नोस्टिक समय सीमा है, जिसकी वजह से ये किट तेजी से रिजल्ट देते हैं। भारत में कैसे हो रहा है कोरोना टेस्ट? कोरोना के मरीजों का सबसे पहले पॉलीमर चेन रिएक्शन टेस्ट यानी कि PCR कराया जाता है। ये एक ऐसी तकनीक है जो DNA के एक खंड की प्रतियां बनाता है। पॉलीमरेज उन एंजाइम्स को संदर्भित करता है जो DNA की प्रतियां बनाते हैं। चेन रिएक्शन यानी कि DNA के टुकड़े जैसे कॉपी किए जाते हैं। 1 को 2 में कॉपी किया जाता है, 2 को 4 में कॉपी किया जाता है। PCR तकनीक का आविष्कार करने वाले अमेरिकी बायोकेमिस्ट केरे मोलिस को 1999 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हालांकि SARS-CoV-2 RNA से बना एक वायरस है जिसे DNA में बदलने की जरूरत है। इसके लिए तकनीक में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नामक एक प्रक्रिया शामिल है। एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम RNA को DNA में परिवर्तित करता है। DNA की प्रतियां तब बनाई और बढ़ाई जाती हैं जब एक फ्लोरेसेंट DNA बाध्यकारी डाई, जिसे जांच कहा जाता है, वायरस की उपस्थिति को दर्शाता है। वो परीक्षण भी अन्य वायरस से SARS-CoV-2 को अलग करता है। ICMR के वैज्ञानिक डॉक्टर RR गंगा खेड़कर के मुताबिक PCR को नमूनों का परीक्षण करने में 5 से 6 घंटे तक का समय लगता है। हालांकि कुल मिलाकर सैंपल कलेक्ट करने और रिपोर्ट मिलने तक 24 घंटे के आसपास का समय लगता है। भारत में क्या है कोरोना टेस्ट की स्थिति? भारत वर्तमान में SARS-CoV-2 के परीक्षण के लिए 2 चरण का रियल टाइम PCR आयोजित करता है। पहला चरण मानव कोरोना वायरस के सामान्य आनुवांशिक तत्वों का पता लगाने के लिए बनाया गया है जो नमूने में मौजूद हो सकते हैं। दूसरे चरण को केवल SARS-CoV-2 वायरस में मौजूद विशिष्ट जीन के परीक्षण के लिए डिजाइन किया गया है। मार्च की शुरुआत तक किसी भी प्रकार के कोरोना वायरस की जांच के लिए प्रारंभिक स्क्रीनिंग टेस्ट सभी प्रयोगशालाओं द्वारा किया गया था, लेकिन पुष्टिकरण PCR केवल पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा किया गया था। फिर NIV पुणे ने सभी प्रयोगशालाओं के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी ताकि नमूने को पुणे भेजे जाने की आवश्यकता ना हो, जिसके बाद नमूनों के परीक्षण में लगने वाले समय में कटौती हुई है।